दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। अंबिया फलाक खूता में लगे शराब के ठेके को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी दरियावत को ज्ञापन सौंपा है। जानकारी देते हुए ग्राम पंचायत खूता के ग्रामीणों ने बताया कि गांव अंबिया फलाक खूता में वजपुरा से खूता की सीमा के बीच एक शराब का ठेका लगा हुआ है। उक्त शराब के ठेके पर शराबियों द्वारा शराब पीकर हमारे गाँव की बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। आए दिन मारपीट एवं लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अंबिया फलाक में लगभग 200 घरों की बस्ती है। रोज रोज शराबियों द्वारा उक्त गांव के लोगों को परेशान किया जाता है। वर्तमान में कुछ दिनों पूर्व ही हमारे गांव के कुछ लड़कों को शराबियों द्वारा मारपीट की गई, साथ ही धमकी देकर मरने मरने की दी गई और बताया कि गांव के बीच जो शराब का ठेका है वहां से शराबी शराब की बोतल लाकर आसपास के खेतों में जाकर बैठते हैं और शराब पीते हैं, जिससे खेत में काम करने वालों को शराब बोतल के कांच के टुकड़े पैरों में घुस जाते हैं जिससे खेत में काम करने वालों को शराब बोतल के कांच के टुकड़े पैरों में घुस जाते हैं, जिससे किसान आते दिन चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि शराब के ठेके को हटाया जाए। ठेका नहीं हटाने पर ग्रामीणों द्वारा जन आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान ग्राम पंचायत खूता के सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे। आज उपखंड क्षेत्र दरियाज में हमें शराब के ठेके को बंद करवाने के बाबत में हमें ज्ञापन दिया है। मेरा नाम धनराज मीणा, ग्राम पंचायत खूता, गांव अंबिया फलाक। जो हमारे गांव में लगभग 200 घरों की बस्ती है वहां शराबी द्वारा आए दिन शराब पीकर गांव के महिला बहन बेटी को छेड़ा जाता है और आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं और बहुत सारी छोरियां भी हो चुकी है और गत 2-3 दिन में हमारे गाँव के 2 लड़कों को बेरहमी से पीटा है। इससे प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि हमारे गांव में जो ठेका लगा है वो तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, अन्यथा हम रोड जाम कर आंदोलन करेंगे।